अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद नवीद और मेरे साथ है मोहम्मद सिद्धार्थ। ये बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं दुबई में, अभी क्रिकेट में लोग इनको अच्छा खासा जानते भी हैं और जिन्होंने इसकी बॉलिंग देखी हुई है तो वो तो लाजमी जानते होंगे। तो ये आपको बताएंगे कि कैसे ये ग्रिप करते हैं, इनकी ग्रिप भी दिखाएंगे और ये कैसे बॉल करते हैं बॉल भी दिखाएंगे। थोड़ा क्लोज लेके आना, इनकी ग्रिप पे सिर्फ फोकस करना, देखें कैसे ग्रिप करते हैं। ये मेरा ग्रिप है, ये देखें। अब ये ग्रिप करने के टाइम में ये दोनों फ्लाइयों के सेंटर में जो है अपनी बॉलिंग फिंगर रखते हैं जिससे रोल करते हैं, और नीचे बॉटम इनका देखें आ गया जी एंड वाली स्लाई के ऊपर आ गया आप देखें। और उसके बाद ये जो है यहाँ से ये पाम को भी मिला देते हैं साथ, और जिस टाइम में ये डिलीवर करने जा रहा होता है तो डिलीवर करने के लिए आप इसको कैसे पूरा रोल करते हैं, पूरा रोल करते हैं इसको, फिंगर्स को यूज करना पड़ता है। ये जब ये फिंगर आपको फील होना शुरू होगी, जब ये लग के फील होना शुरू होगी तो टर्न ज्यादा अच्छा होता है करके। तो और अगर कुछ ऐड करना चाहो ऐसा ही ये बस यही है, नॉर्मल मैं इसको फ्लाइट भी करता हूँ और इसी से ग्रिप अच्छी होती है। अच्छा, तो अभी आप थोड़े बॉल करके देखिए। खूब और जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपने जगह पे गिराने की कोशिश करनी है, तो उससे क्या है लाइनर लेंथ आपकी पक्की हो जाती है। तो आप मैच में जब जाके बॉल करते हो, ग्रिप आपने देख ली है, उसको बॉल करते हुए भी आपने देख लिया, सजाद से हम पूछेंगे कि इसका मेनली माइंड सेट क्या होता है। ये बड़ी अच्छी गेंदे कर रहा है, मैच में परफॉर्मेंस हो रही है, तो इससे हम पूछेंगे कि इसका माइंड सेट क्या होता है और ये किस हिसाब से जाके प्रैक्टिस करता है। तो इससे मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा तो जिससे आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रैक्टिस किस माइंड सेट के साथ जाना है और जिसकी वजह से जो है आप परफॉर्मेंस अपनी भी बाहर ला सकते हैं। तो सजाद आप बताओ कि आप जब आते हो नेट में तो आपके माइंड सेट क्या होता है कि आपने बॉल किधर गिराने हैं करके ज्यादा से ज्यादा बॉल? जी पहले तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो बॉल है वो गुड लेंथ पर करने की कोशिश करता हूँ, गुड लेंथ पर ही बॉल करता हूँ प्रॉपर, और फ्लाइट भी करता हूँ उसमें, तेज भी करता हूँ। क्यों कुछ लड़के, आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ लड़के होते हैं वो आते हैं और उनको एक शॉट पड़ा या दो शॉट पड़े तो वो जो है आगे पीछे और तेज और इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं नेट्स में भी, तो क्या आप भी ये ऐसी कोशिश करते हो या आप फिर भी कंटिन्यू करते हो गुड लेंथ पर? नहीं, जो हो गया उसको आप भूल जाएं, अगर एक आपको शॉट लगता है उसको आप भूल जाएं, सेम वही अच्छा वाला बॉल करें, सेम उसको लाइन लेंथ में बॉल करें कोई सा। ओके, जबरदस्त। तो उसके अलावा आप जब कर रहे होते हैं तो आप जो तेज भी करते हैं वो भी आपका अच्छा होता है, तो वो भी आप सेंटर में ट्राई करते हो तो या कुछ टाइम कंटिन्यूसली गुड लेंथ पे गेंदे करने के बाद आप ट्राई करते हो कि आप गुड लेंथ तेज करो की भी प्रैक्टिस करोगे? नॉर्मली जब मैच में भी खेलता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ तो बॉल करता हूँ उसके अंदर मैं यूज करता हूँ, एक अगर मैं मैच में ओवर कर रहा हूँ ओवर के अंदर एक दो बॉल में तेज करने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट करता हूँ। वो चीज आपकी ठीक आ गई है, वो तो आपका वेरिएशन है, आपको तो कंट्रोल है, लेकिन हम प्रैक्टिस करने वाले को समझाना चाह रहे हैं कि आप जब तेज की प्रैक्टिस करते हो तो उस तेज की प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस के दौरान में कैसे करते हो, जब आप थक जाते हो तो तेज तेज करने की कोशिश करते हो या कैसे करते हो? वैसे जो प्रॉपरली नेट में मैं सेम बॉल करता हूँ, लास्ट जब मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ जो लास्ट में खेलने के लिए उसको मैं थोड़े तेज बॉल की ट्राई भी करता हूँ, तेज बॉल भी, तो इससे मतलब दोनों तरफ की प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, फ्लाइट और तेज की। अच्छा, तो थोड़ा पीछे हो जाना, अभी ये प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। तो अभी मेनली आपको समझ में आ गया होगा कि मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो है वो माइंड सेट क्या होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट दोबारा से बता देता हूँ कि मेन पॉइंट यही है कि आप आए हैं मतलब देखें वो अच्छी गेंदे कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि वो आ रहा है और प्रैक्टिस करने के टाइम में उसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि वो गुड लेंथ पर फ्लाइट के साथ गेंदे करता रहे जिससे उसका कंट्रोल बना रहता है, और फिर लास्ट में जा करके वो कुछ कंटिन्यूसली गेंदे जो है तेज तेज भी करता है जिससे उसका तेज और स्लो का कॉम्बिनेशन का कंट्रोल रहता है उसका। तो जब वो उसको मिक्सअप करता है मैच के दौरान में तो उससे उसको विकेट भी मिल रही है और रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आप जो जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो ऐसे ही माइंडसेट के साथ जाएं, क्योंकि आपका माइंडसेट अगर आप जब घर से चलें आए हैं तो आपका जो प्लान होगा ना प्रैक्टिस सेशन का प्लान करके आप आते हैं तो आपको वही रिजल्ट भी मिलता है करके, लेकिन अगर आप आए और कुछ भी फेंकते फूंकते चले गए तो मैच में जा करके भी वैसे ही रिजल्ट आता है करके। तो ये चीज़ आप पहले से प्लान करके आएँ कि आज आप क्या करने जा रहे हैं, माइंडसेट क्या होगा, तो उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, ये नहीं कि एक दिन के बाद भूल जाना, हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते और महीनों तक उसको कंटिन्यूसली रखना है, फिर आपकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आना शुरू हो जाएगी।
ओके, तो गुड लक, इसको ट्राई करें, और अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं करके, या मेरा इंस्टाग्राम पे जो है navid.cool है, वहाँ पर जाकर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, या आप मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू अपना।